हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया हुआ है पैशन, BS6 पैशन। दोस्तों, ये जो पैशन FI मॉडल, इसमें जो एक ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ये जो फ्यूल टैंक रिमूव करने का प्रॉब्लम आता है। आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्यूल टैंक का पाइप, ये खोलने का ज़्यादा दिक्कत होता है। जो काम सीख रहे हैं वो दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे इसको खोलना है वो आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक सिंपली सिस्टम है, ये खोलने के टाइम जल्दी मत कीजिए। आपको एक खोल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद फ्यूल टैंक को रिमूव करके भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी आपको कैसे खोलना है। देखिए दोस्तों, फ्यूल टैंक को ये जो पाइप, इसको रिमूव करने के लिए ये जो अब ऊपर पोजिशन दिख रहा है, इधर एक लॉक है। इसको ये लॉक को नीचे तरफ थोड़ा दबाना है, दबा के नीचे तरफ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको देखिए, ये खुल गए दोस्तों। अभी ये बाहर की तरफ ले आके भी आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आइए, आपको ये बाहर की तरफ ले आके दिखाता हूँ। दोस्तों, सीट ओपन, इधर से खुलो, ये खुल गए। अभी दोनों साइड का पैनल को खोलना है। दोस्तों, एक दोनों साइड का पैनल को खोल के आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्यूल टैंक का पाइप कैसे रिमूव होता है और फ्यूल टैंक भी बाहर कैसे आता है। ये FI वाला में थोड़ा प्रॉब्लम ही है दोस्तों, ये ठीक तरह से नहीं खुलने से ये पाइप टूटता है और इसका कीमत भी ज़्यादा ही है। दूसरा, पहले वाला जिस तरह पाइप रहता था, अभी उस तरह पाइप नहीं है। अभी इसमें लॉक सिस्टम है, इसलिए खोलना थोड़ा दिक्कत ही होता है। और खोलना है तो कैसे खोलना है वो आपको आज इस वीडियो के ज़रिए से देखने की कोशिश करो। दोस्तों, ये दोनों साइड ये भी खोलने का काम होने वाला है। देखिए ये बाहर आ गया, अभी ये 12 को खोलना है और उस साइड का पैनल को भी खोलना है। ये दोनों साइड खोलने का काम हो गया दोस्तों। अभी फ्यूल टैंक को खोल के बाहर करके और फिर से आपको सेट करके दिखाने वाला हूँ। ये खोलने का काम हो गया, अभी इसको बाहर करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने तो पहले नीचे वाला पाइप को खोला हूँ, उसके बाद इधर भी, और देखिए नीचे वाला तो बाहर आ गया। अभी ये भी खोल दिया और दूसरा पानी निकलने का जो पाइप रहता है वो पाइप भी खोला। अभी देखिए दोस्तों, ये बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये खुल गया और इधर एक लॉक भी रहता है। लॉक, इस लॉक को इस तरफ करके अंदर की तरफ इस तरफ दबा के, देखिए दोस्तों ये बाहर आ गया। दोस्तों, अभी आपको चेक करके भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको किस तरह से सेट कर रहा हूँ, ये जो सेट हो गया, सेट हो गया। और भी एक बार देखिए, आप देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कैसे से देखिए, ये जो लॉक, ये लॉक को इस तरह दबा के अभी इसको बाहर की तरफ खींचना है। देखिए कितना आसानी से खुल गया और अभी इसको फिर से सेट कर रहा हूँ। देखिए सेट हो गया, सेट होने के बाद ये पीछे से नीचे की तरफ दबा देना है। ठीक है, दबाया, इधर फिर से लॉक हो गए। अभी एक खींचने से बाहर आएगा नहीं दोस्तों। दोस्तों इसको देखिए अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो ये खोलने का टाइम, देखिए ये जो लॉक अब देख पर है, लॉक, इस लॉक को बाहर की तरफ लेके अंदर की तरफ दबाना है, उसके बाद पाइप को बाहर काटना है। दोस्तों देखिए फिर से लॉक हो गया,
लॉक करने के टाइम बाद आपको यहाँ से थोड़ा दबा देना है, उस टाइम लॉक होगा। आपको सेट करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो जैक आप देख पा रहे, ये सिर्फ फ्यूल मीटर का नहीं है और मोटर का भी है। अभी इसको फिर से सेट कर रहा हूँ। सेट करो दोस्तों, ये सेट हो रहा है और अंदर से जितना पाइप खोला था वो भी सेट करना है। अभी एक पतला वाला पाइप भी खोला था, वो पाइप कहाँ से, इधर से, इधर का है दोस्तों। ये पाइप अभी सेट करो। ये देखिए, ये पाइप अभी, ये जो इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने का टाइम उस तरह दबा के अंदर की तरफ देना है, अभी वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी जो लॉक को मैंने जिस तरह बोला था, ये इस तरफ दबा, फिर से इस तरह दबाना है, दबा के पाइप को अंदर की तरफ खींचना है। देखिए ये सेट हो गया दोस्तों। मैंने जो काम आपको दिखाने की कोशिश की वो जरूर अच्छा लगा होगा। आज इतना ही बस, ओके बाय दोस्तों।